जी अल्हम्दुलिल्लाह परमिशन मिल गई फाइनली। तो जी दोस्तों फाइनली हम बूटा पत्री पहुंच गए माशाल्लाह। भाई मुझे सुल्तान की याद आई कसम से, आई लव यू ब्रो। मेरा सुल्तान था वो छोड़ के चला गया, वो अल्लाह ताला के पास गया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। ना मैं पहले दिन घूमने गया ना दूसरे दिन, और आज फाइनली मैं जाऊंगा घूमने विद बालियारो। तो जी दोस्तों आज हम जाएंगे गुलमर्ग साइड, क्योंकि बहुत टाइम से वहाँ पे नहीं गया हूँ, और आज यहाँ से गर्मी भी बहुत है, वहाँ से मज़ा आ जाएगा। मैंने मम्मा को भी बोला था लेकिन वो नहीं मान रही है, फिर भी मैं उसको बोलूँगा, अगर वो आएगी तो वेल एंड गुड, नहीं आएगी तो उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो फिलहाल मैंने कपड़े पहने, इसने भी पहने, जल्दी से निकलते हैं क्योंकि फिर ट्रैफिक जाम होता है। चलिए तो जी दोस्तों अभी हम रेडी हैं निकलने के लिए। आरी भाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये बेचारे भी 3 दिन तक कहीं नहीं गए। क्यों भाई? हाँ भाई, क्योंकि हम कहाँ जाते, हमें आज फुर्सत मिली तो अब जा रहे हैं। तो जी स्टार्ट करते हैं इस खूबसूरत से सफर को और देखते हैं क्या सीन है वहाँ का। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो जी दोस्तों अभी हम कुंजर पहुंच गए और इसने चेरी लिए। कैसा टेस्ट है भाई? मज़ा। अभी आरी भाई देखो, जबरदस्त। तो जी दोस्तों टंगमर्ग हम लोगों ने क्रॉस कर लिया और अभी यहाँ से नज़ारे देखने को मिलेंगे माशाल्लाह। आपको पता ही है गुलमर्ग से क्या व्यू होता है, मैं आपको बाहर दिखाता हूँ। कैसा लग रहा है भाई? अरे भाई आपको कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है भाई। तो जी अभी यहाँ से नज़ारे माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। ये तो यही से आगे से कितना खूबसूरत होगा तो आज आपको पूरा दिखाएंगे, आप बस बने रहे हमारे साथ। तो जी दोस्तों अभी हम थोड़ी ऊपर आ गए, यहाँ पे देखे ट्रैफिक कितना जाम है भाई साहब, ये तो पोपट हो गया भाई। और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, यहाँ पे एक लाइन बन रही है फिर भी देखो आप यहाँ से गाड़ियाँ आ रही है जानबूझ के जाम कर रही है, कितनी गाड़ियाँ यहाँ से जा रही है। यही मुझे यहाँ पे सबसे गंदी बात लगती है कश्मीर में, यहाँ पे अगर ट्रैफिक होता है ना जो बाकी गाड़ी वाले होते हैं वो जाते हैं हीरो बनने, दूसरी लाइन बनाते हैं, बर्दाश्त किसी को नहीं है यहाँ पे। ये देखिए कितनी गाड़ियाँ आ रही है यहाँ से, इन्होंने 2 लाइनें बनाई, जो वहाँ की गाड़ी है वो कहाँ जाएगी अब। ये देखो जो मैं बोल रहा था वही हुआ, अब वहाँ की गाड़ी आई और इन्होंने लाइन बनाई थी यहाँ पे, अब देखिए ट्रैफिक। तो जी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह गुलमर्ग हम पहुँच गए, लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते हालत ख़राब हो गई। अभी मुझे यहाँ पे फ्रेंड को मिलना है, फिर उसके बाद हमें जाना है पुलिस स्टेशन, वहाँ से हमें परमिशन मिलेगी बूटा पथरी के लिए। आज हम वही जाएंगे, मैं इतनी बार गुलमर्ग आया हूँ लेकिन बूटा पथरी कभी नहीं गया हूँ, तो आज जाएंगे। मैंने सुना वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त मज़ा है जी। फॉर्म फिलअप कर लिया और कोर्ट स्टेट भी कर लिया, अभी अंदर जाने परमिशन के लिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह परमिशन मिल गई फाइनली, परमिशन मिल गई भाई। कार्ड क्यों नहीं साथ लाते हो भाई? वालेकुम सलाम ब्रो, तो जी अभी जी अभी निकलते हैं जल्दी से क्योंकि यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम यहाँ पे रुके, यहाँ का व्यू देखिए माशाल्लाह, और ये रहे हमारे दोस्त फिरदौस भाई। तो जी यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाऊंगा माशाल्लाह। अभी हम बूटा पथरी नहीं पहुंचे लेकिन यहाँ पे ये इन्होंने बोला खाना खाएंगे राजमा चावल। पहाड़ों में राजमा चावल खाने का अलग ही मजा है। ओ भाई साहब कसम से टू बी ऑनेस्ट ये व्यू देख के मतलब दिल खुश हो गया, मुझे नहीं पता था कि इतना खूबसूरत। देखिए ओह माशाल्लाह, काका राजमा दाल जबरदस्त, ये देखिए इस चूल्हे पे बनता है सब कुछ। ओ बढ़िया ब्रो, बहुत जबरदस्त था भाई। अभी यहाँ से निकलते हैं, इन्होंने बोला 4 बजे से पहले पहले वापस आना, जो कि वहाँ पे
जो वहाँ पे परमिशन देते हैं ना, वहाँ पे उन्होंने बोला 4 बजे से पहले पहले वापस आना, इसलिए जल्दी से निकलते हैं। तो जी दोस्तों, फाइनली हम बूटा पत्री पहुँच गए। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, और मुझे पता भी नहीं था यहाँ पे पानी होगा। पानी देख के दिल खुश हो गया। और वो देखिए माशाल्लाह। चलिए अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत इंजॉय कर लेते और आपको भी दिखाएंगे कैसी। इसको पानी के साथ ज्यादा प्यार है। हबीबी कम टू दत्त पात्री। क्या बोला तूने? मैंने बूटा पात्री को दत्त पात्री बोल दिया। हबीबी कम टू बूटा पात्री। अरे भाई पियो कहवा, बूटा पत्री में कहवा। तो जी बूटा पत्री अच्छे से देख ली, इन्होंने बोला यहाँ पे इससे ऊपर इससे बढ़िया लोकेशन है, लेकिन उसके लिए भी परमिशन लानी पड़ती है, जो कि हमारे पास आज नहीं है। आज इतना देखा वो काफ़ी था। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो वहाँ भी जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं पता जो इससे आगे जगह है। अगर आपको पता है तो कमेंट्स में बताना कि उसको क्या बोलते हैं। हम तो ऊपर आए थे यहाँ पे। अरे भाई अपना एक्सपीरियंस बताइए। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी सीनरी है यहाँ पर। मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा, मैं कैंपिंग कम करता हूँ, लेकिन कैंपिंग के लिए ये जगह बहुत ही बेस्ट है, लेकिन यहाँ पे कैंपिंग अलाउड नहीं है, क्योंकि मैंने एक बोर्ड पढ़ा था उस पर लिखा था कि कैंपिंग अलाउड नहीं है। तो जी दोस्तों, बूटा पत्थरी से हम वापस निकल गए, लेकिन यहाँ पर मुझे एक बस्ती दिखी जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आप देखिए यहाँ पर लोग रहते हैं। तो जी मैं ऊपर आया, मैंने सोचा कुछ रील्स ले लूँ, और मैंने एक दो रील्स ले लिए। तो अगर आपको रील्स देखनी होगी तो मैंने इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, वहाँ पे देख सकते हो। ये देखिए ये यहाँ पे क्या कर रहा है। भाई साहब, भाई मुझे सुल्तान की याद आई कसम से। आई लव यू ब्रो, मेरा सुल्तान था वो, छोड़ के चला गया वो, अल्लाह ताला के पास गया, कसम से याद भाग गई। तू फिर से भागे भागेगा तुझे। हाँ भाई। तो जी दोस्तों, अभी आप खुद देखिए लोकेशन कितनी खूबसूरत है, माशाल्लाह। टू बी ऑनेस्ट ये देखिए, आप खुद देखिए। और यहाँ पे हम रील्स ले रहे थे, बहुत ही मज़ा आ गया, मतलब मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। ऊपर से हमें बोला गया है 4 बजे तक वापस आना। अरे भाई टाइम 5 बजने वाले हैं, वो क्या करेंगे, सारे तो इधर ही है भाई, जब वो नहीं गए तो हम क्यों जाएंगे। मतलब यहाँ पे यहाँ की लाइफ माशाल्लाह, बिस्मा मन को तो मज़ा ऐसे वहाँ। ये देखिए, तो फिलहाल जाना तो पड़ेगा, और मैं आउट ऑफ नेटवर्क लगभग 3 घंटे से हूँ। घर वालों ने कितने कॉल किए होंगे वो मुझे पता है, क्योंकि ये साथ है ना इसकी वजह से। तो जी दोस्तों, अभी हम घर जा रहे थे टंगमर्ग साइड, लेकिन फिर से ट्रैफिक जाम में फंस गए। ये देखिए वो भी बहुत ही बुरा, इस बार तो 5-6 किलोमीटर ट्रैफिक जाम है। पता ही क्यों, सिर्फ रॉन्ग ड्राइवरी। जो वहाँ से गाड़ी आ रही है वो सीधे यहाँ से जा रही है, दो लाइनें बना रही है। इसकी वजह से क्या होता है, जो बाकी होते हैं वो भी फंस जाते हैं। अब हम चल रहे हैं 10-10, 20-20 मीटर, उसके बाद फिर से गाड़ी रुक रही है। देखिए निकल गई गाड़ी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आगे अभी रुक जाएगी। दोस्तों अभी हम 10 मीटर भी नहीं चले फिर से, मुझे लगता है कि अब हम कम से कम 1-2 घंटे ट्रैफिक में फंस गए आज, कम से कम, क्योंकि बहुत बुरा ट्रैफिक जाम है बहुत। अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से कितनी गाड़ियां निकलेगी। देखो अभी यहाँ से फिर से गाड़ियाँ निकलेगी, फिर ये रॉन्ग ड्राइवरी कर रही है, आगे वो गाड़ियाँ नहीं जा रही है, तो फिर हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। दोस्तों जो भी वहाँ से ड्राइवर आ रहा है वो यही बता रहा है, इनको किसने बोला है गाड़ी चलाने को, खाली रॉन्ग ड्राइवरी कर रहे हैं, सबको फंसा दिया आप। तो जी दोस्तों इतनी प्यास लग गई, इतनी प्यास लग गई कि मैं आपको बता नहीं सकता। तब से हम लगभग 100 मीटर भी नहीं चले, पूरा 1.5 घंटा। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए वो भी आगे गाड़ी वाला गलत निकला। लगातार 2 घंटे से यही सिलसिला चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सब क्यों कर रहे हैं ये। अब मुझे सर फट रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आमीन। खुदायो आज़ाद गए। टाइम आव वुमेंट कम ऐठ साढ़ ओर हे बन वम वुमेंट कम ऐठ तुम कस घंटे गए आरिफ सब दून ओर घंटे। तो जी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हम टंगमर्ग पहुंच गए, बड़ी मुश्किल के साथ, बड़ी मुश्किल के साथ। आप कुछ खाएंगे पियेंगे उसके बाद घर निकलेंगे। तो जी दोस्तों अल्लाह पाक की कसम,
गुलमर्ग से टंगमर्ग तक मैंने गाड़ी को 10 स्पीड से किसी जगह नहीं भगाया, और अभी ये रोड देखकर मतलब दिल खुश हो गया कसम से। अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच गए भाई साहब, बैक टू होम। तो जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने रूम में पहुंच गया, और आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया, बहुत मैं आपको बोल नहीं सकता। आज तक मैंने ऐसा ट्रैफिक जाम कभी नहीं देखा है, क्योंकि हालत ख़राब हो गई ट्रैफिक जाम में, आपने देखा कि क्या हो गया। तो फिलहाल इस व्लॉग को यही पे एंड करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना, और हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाज़त भाई, अस्सलाम वालेकुम। एनर्जी भी खत्म हो गई।